हेलो दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग सॉल्व करेंगे अभी। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 तो हम लोग सॉल्व कर ही रहे थे, क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने देखा था, अभी उसके आगे बढ़ेंगे। एक्सरसाइज चल रहा है हमारा 4.2, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन बेसिकली डिपेंडेंट है प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, ये मैंने आप लोगों को बताया था पहले भी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे। 6 के अंदर फंक्शन क्या दिया है? लेट आई बी इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यूब बाय 9 - x² dx फ्रॉम -3 to 3, ठीक है। अभी यहाँ पर अगर आप देखेंगे बेटा, तो इवन ऑड वाली जो प्रॉपर्टी है ना हमारी, जो लास्ट में हम लोगों ने देखी थी, तो वो प्रॉपर्टी कब यूज़ कर रही है हमारे, कैसे समझ में आएगा? तो देखिए, दोनों के भी लिमिट सेम है मैग्नीट्यूड में और साइन अपोजिट है, मतलब लोअर लिमिट जो हो -a अगर होता है तो अपर लिमिट a होना चाहिए, तब जाके हम लोग वो इवन ऑड वाली प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो वो प्रॉपर्टी क्या कहती है हमसे कि अगर आपके पास -a to a इस प्रकार से लिमिट दिए हैं, अब इस लिमिट्स का मतलब समझ में आना चाहिए, किस तरीके के लिमिट्स सही है। तो लिमिट्स तो सेम है, लेकिन एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो इसका आप जो फ्रेम है, जिस तरीके के लिमिट्स है उसको समझिए, एक नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव है, बाकी मैग्नीट्यूड उनका सेम है। और अगर इस टाइप के फंक्शन का अगर आप इंटीग्रेशन निकालना चाहते हो, इसका डिफिनेट इंटीग्रल निकालना चाहते हो, तो उनका कहना है कि आप 0 से a f(x) dx, ये नतीजा रहेगा जब आपका फंक्शन इवन रहेगा। और अगर आपका फंक्शन ऑड है तो आपको कुछ भी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, इसका आंसर सीधा 0 आ जाएगा, ठीक है। सो ये प्रॉपर्टी का चांस तब बनता है जब लिमिट्स नेगेटिव पॉजिटिव हो और सेम हो, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना, डिफिनेट इंटीग्रल के अंदर कभी भी अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखाई दे, जैसे ये अगर पहले 4 क्वेश्चन आप देखेंगे, 6 7 8 9, तो हर एक के अंदर लिमिट सेम है लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव है, -3 + +3, -5/2 + 5/2, -5/4 + 5/4, -5/4 + 5/4। तो इन चारों एग्जाम्पल में हम लोग कोशिश तो करेंगे कि क्या ये इवन ऑड वाली प्रॉपर्टी यूज़ करके ये सॉल्व हो सकता है। तो फंक्शन क्या है आपका, ये फंक्शन दिया हुआ है, सो हियर f(x) इज इक्वल्स टू x³ / 9 - x², ठीक है। अगर ये बोर्ड में पूछा जाता है तो आप लोग इसको कैसे लिखेंगे, हियर f(x) इज इक्वल टू दिस। नाउ हम लोग f(-x) का वैल्यू निकालते हैं और वो क्या आता है उसके ऊपर डिसाइड होता है कि फंक्शन इवन है कि ऑड है। अगर f(-x) इज इक्वल टू f(x) आता है तो ये फंक्शन इवन होता है, अगर f(-x) इज इक्वल टू -f(x) आता है तो फंक्शन ऑड होता है, ठीक है। मैं f(-x) निकाल रहा हूँ, मतलब क्या कर रहा हूँ, दिए हुए फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ मैं -x रख रहा हूँ और वैल्यू क्या आती है चेक कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर -x रख दिया, उसका क्यूब डिवाइडेड बाय 9, ये माइनस एज इट इज़, और ये x की जगह पर मैंने लिखा -x² का। तो बेटा ये क्या मिलेगा आपको, दिस इज इक्वल टू -x³ आएगा, -x³ / 9 एज इट इज़, ये माइनस साइन एज इट इज़, और -x² आएगा x². तो अगर आप इस माइनस साइड को बाहर बाजू में लेंगे और इसको अगर ऑब्जर्व करेंगे कि इसको x³ / 9 - x² को, तो ये क्या है, ये तो आपका दिया हुआ फंक्शन है, सो दैट इज़ नथिंग बट -f(x). आपके पास क्या है, f(-x) इज इक्वल टू -f(x) आपको मिल रहा है। और ये क्या इम्प्लाई करता है, दिस इम्प्लाइज, ये आपको इम्प्लाई करता है, दिस इम्प्लाइज दैट गिवन फंक्शन इज ऑड, एंड देयरफोर आप लोग क्या लिखेंगे, -3 to 3 x³ / 9 - x² dx इज 0। तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, क्योंकि ये ऑड फंक्शन है, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पर प्रॉपर्टी भी लिख सकते हो, सिंस बाय करके -a to a f(x) dx इज इक्वल्स टू 0 व्हेन f(x) इज ऑड, ठीक है, ये वाला प्रॉपर्टी आप लिख सकते हो। इस तरीके से इवन एंड ऑड वाली प्रॉपर्टी यूज़ करके हम लोगों ने इसको सॉल्व किया, तो इसका आंसर क्या मिला आपको, 0 आंसर मिला है। तो आपको बस, अगर आपके लिमिट्स अगर नेगेटिव और पॉजिटिव है, तो आपको बस इस चीज़ की तरफ ध्यान देना है
कि आपका जो फंक्शन है वो इवन है या फिर ऑड है। ठीक है बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे। लेट 7th के अंदर लिमिट्स क्या है? माइनस पाई बाय टू, 2π/2। ठीक है, और फंक्शन क्या दिख रहा है? फंक्शन है लॉग ऑफ 2 + sin x डिवाइडेड बाय 2 - sin x एंड dx। ठीक है, सो एफ ऑफ एक्स हियर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि मुझे पता है लिमिट जो है वो नेगेटिव पॉजिटिव है, सेम है, तो मैं यहाँ पर इवन ऑड के बारे में सोचूंगा। तो मुझे ये ढूंढना है कि दिया हुआ फंक्शन ऑड फंक्शन है क्या इवन फंक्शन है। इसके लिए सबसे पहले मैं दिए हुए फंक्शन को लिखूंगा, दैट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2 + sin x डिवाइडेड बाय 2 - sin x। ये तो दिया हुआ फंक्शन है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, लॉग ऑफ 2 + sin x माइनस लॉग ऑफ 2 - sin x। और ये कैसे लिखा आपने? तो लॉ ऑफ क्वोशेंट जो आपने लॉगरिथम के अंदर देखा है। अब बेटा हम लोग क्या करेंगे, एफ ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू निकालना चाहेंगे। सो एफ ऑफ माइनस एक्स कैसे निकाला जाएगा? एफ ऑफ माइनस एक्स का मतलब क्या होता है? वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन व्हेन योर एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो आपको दिए हुए फंक्शन में एक्स इज माइनस एक्स लिखना है। सो लॉग ऑफ 2 + sin of -x माइनस लॉग ऑफ 2 - sin of -x। सो दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2, ये बन जाएगा -sin x माइनस लॉग ऑफ 2, और ये बन जाएगा +sin x। ठीक है, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो उस हिसाब से ये प्लस बन जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए अब अगर मैं इसमें से नेगेटिव साइन, देखो आपके पास दो टर्म है, एक और दूसरी, अगर मैं इसमें से नेगेटिव को बाहर ले लेता हूँ तो ब्रैकेट के अंदर मुझे क्या मिलेगा? ये बन जाएगा पॉजिटिव, तो इसको मैं पहले लिखता हूँ, दैट इज लॉग ऑफ 2 + sin x। ठीक है, और ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव बन जाएगा, दैट इज माइनस लॉग ऑफ 2 - sin x। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आएगा आपका। लेकिन ये क्या है बेटा ब्रैकेट के अंदर? ये तो यही है जो ऊपर है, और ये क्या है? ये आपका दिया हुआ फंक्शन है। सो आपके पास क्या है? नेगेटिव एज इट इज, और इसकी जगह आप रिप्लेस करेंगे एफ ऑफ एक्स को, तो इसका मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स मिल रहा है। तो जब भी ऐसे मिलता है तब आपका फंक्शन क्या होता है? ऑड होता है। अगर मान लीजिए एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मिलता तो ये फंक्शन इवन हो जाता। ठीक है, सो ये माइनस एफ ऑफ एक्स मिल रहा है, सो देयरफॉर दिस इम्प्लाइज, बोल सकते हो आप, दिस इम्प्लाइज गिवन फंक्शन इज ऑड एंड देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ लॉग ऑफ 2 + sin x डिवाइडेड बाय 2 - sin x dx फ्रॉम -π/2 to π/2 इज जीरो। अगर एक बार फंक्शन ऑड है ये आप लोगों के पहचान में आ गया, आप लोगों ने एक बार इसको प्रूव कर दिया, फिर आप डायरेक्टली उसका लिमिटिंग सॉरी उसका डिफिनेट इंटीग्रल जो निकालते हो, उसका जो वैल्यू निकालते हो, तो वो क्लियरली जीरो आ जाता है। ठीक है, बाकी फिर उसके बाद में कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं, बस आपको जो भी कैलकुलेशन करना है वो ये दिखाना है कि दिया हुआ फंक्शन इवन है कि ऑड है, उसके बाद में चीज़ें आसान है। ये था क्वेश्चन नंबर 7, आप लोग इसको पॉज करके लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर फिर से अगर आप लोग देखेंगे तो हमारे जो लिमिट्स है वो नेगेटिव एंड पॉजिटिव है और मैग्नीट्यूड सेम है। सो क्वेश्चन नंबर 8, लेट आई बी इक्वल्स टू, और फंक्शन मैं लिखूंगा यहाँ पर, दैट इज एक्स प्लस पाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 2 - cos 2x। ठीक है, dx। अब बेटा इस एग्जांपल के अंदर अगर आप लोग देखेंगे तो डायरेक्टली फंक्शन के अंदर माइनस वेरिएबल की जगह पर माइनस एक्स सब्सटीट्यूट करने से आप यहाँ पर नहीं पहचान सकते कि आपका फंक्शन जो है वो इवन है कि ऑड है। तो ये भी यहाँ पर आप लोगों को बात समझ में आती है इस एग्जांपल से, कि इस एग्जांपल में यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव लिमिट्स होने के बावजूद आप डायरेक्टली ये नहीं पहचान सकते कि ये फंक्शन इवन है कि ऑड है। क्यों नहीं पहचान सकते? क्योंकि जब आप माइनस एक्स की जगह पर रिप्लेस करते हो तब आपको ये ज़रूरी होता है पता चलना कि एफ ऑफ माइनस एक्स या तो एफ ऑफ एक्स आता है या फिर नहीं आता है, इन दोनों के अलावा आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। और बहुत सारे फंक्शन ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर आप लोग अगर ये वैल्यू फाइंड आउट करने जाएंगे तो ना तो आपको ये वैल्यू मिलता है ना ये मिलता है।
तो दोनों में से कोई भी वैल्यू नहीं मिलता तो आप डिसाइड नहीं कर पाते कि दिया हुआ फंक्शन जो है वो इवन है कि ऑड है। उसी टाइप का कुछ ये फंक्शन है। अगर आप इस फंक्शन में एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करेंगे तो ना तो ये एफ ऑफ एक्स मिलेगा आपको और ना ही माइनस एफ ऑफ एक्स मिलेगा। तब ऐसी सिचुएशन में आप नहीं यहाँ पर बता सकते कि दिया हुआ फंक्शन इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है। तो करना क्या है, तो करेंगे अब जो मैं कर रहा हूँ उसको देखिए आप लोग, उस हिसाब से आगे बढ़ना होता है। क्या करेंगे हम लोग, देखिए माइनस पाई बाय फोर, टू पाई बाय फोर, मैं डिनोमिनेटर को सेपरेट कर देता हूँ, एक्स डिवाइडेड बाय टू माइनस कॉस टू एक्स प्लस पाई बाय फोर डिवाइडेड बाय टू माइनस कॉस टू एक्स डीएक्स। अब हम लोग इंटीग्रल के साइन को भी सेपरेट कर सकते हैं, माइनस पाई बाय फोर टू पाई बाय फोर एक्स बाय टू माइनस कॉस टू एक्स प्लस। बेटा ये पाई बाय फोर कॉन्स्टेंट है तो इसको बाहर लिया जाएगा और आपके पास बचेगा वन बाय टू माइनस कॉस टू एक्स डी एक्स। ठीक है, तो अब क्या हुआ है, अब हमारा फंक्शन इस सिचुएशन में आया है कि हम लोग इसको इवन या फिर ऑड में बता सकते हैं। ठीक है ना, तो पहले वो इस सिचुएशन में नहीं था तो हम लोगों ने फंक्शन को थोड़ा सा स्प्लिट किया, तोड़ दिया। तो अब ये इस पोजीशन में है कि हम लोग यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं कि दिया हुआ फंक्शन जो है वो इवन है कि ऑड है। तो हम लोग क्या करते बेटा, ये तो हमारा आय था जो हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है, अब ये आय जो है इसमें से इस इंटीग्रल को हम आई वन बोलते हैं और इसको आई टू बोलते हैं। जब आप लोग बोर्ड के अंदर सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना होता है, स्टेप बाय स्टेप अच्छे तरीके से लिखना होता है। सो हमने एक इंटीग्रल को आई वन बोल दिया, दूसरे को आई टू बोल दिया और इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर वन। अब हम लोग आई वन को सेपरेट लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। सो आई वन इज इक्वल टू लिखेंगे हम लोग माइनस पाई बाय फोर टू पाई बाय फोर एक्स बाय टू माइनस कॉस टू एक्स एंड डी एक्स। ठीक है, अब बेटा करना क्या है आपको, सो एफ ऑफ माइनस एक्स की जगह ये आपका फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, सो आपको एफ ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू निकालना है। ठीक है, चलिए सो हियर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिखेंगे हम लोग सबसे पहले दैट इज एक्स बाय टू माइनस कॉस टू एक्स, और अब हम लोग एफ ऑफ माइनस एक्स निकालेंगे। सो एक्स की जगह पर आएगा माइनस एक्स इज इक्वल टू टू एज इट इज माइनस एज इट इज कॉस टू टाइम्स माइ एक्स की जगह पर आएगा माइनस एक्स। सो ये बन जाएगा माइनस टू एक्स, लेकिन कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो ये बन जाएगा, आप चाहो तो नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हो दैट इज एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स बाय टू माइनस कॉस टू एक्स। तो बेटा आप अगर इसको ऑब्जर्व करेंगे तो यही तो आपका दिया हुआ फंक्शन है। इसका मतलब क्या, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स मिल रहा है आपको। सो ये क्या बताता है कि आपका जो ये पहला फंक्शन है दिस फंक्शन, सो दिस इज ऑड फंक्शन, सो देयर फोर गिवन फंक्शन इज ऑड एंड देयर फोर आई वन का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, जीरो। सो आई वन का वैल्यू आप जीरो मिल गया। सो जो भी इसका वैल्यू आएगा वही आपका आखिरी वैल्यू होगा आपके पूछे गए क्वेश्चन के लिए। ठीक है, सो हम लोग क्या कर सकते हैं, अब देखिए इसको तो आपको इक्वेशन नंबर टू बोलना ही पड़ेगा क्योंकि ये आपका आई वन का वैल्यू है, क्योंकि फाइनली आपको निकालना है आई। सो आई निकालने के लिए आपको आई वन का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, आई टू का करना है। तो फिलहाल तो हमने अभी सिर्फ आई वन का वैल्यू निकाला है तो इसको इक्वेशन दो बोल दीजिए। ठीक है, अब मैं इसको हटा देता हूँ और सिर्फ किसको बचा के रखता हूँ, इस वाले को, क्योंकि अब जो भी आई टू का वैल्यू आएगा यही हमारा सेकेंड इंटीग्रल है जिसको हमें सॉल्व करना है। तो जो भी इसका वैल्यू आएगा उसके हिसाब से हमारा फाइनल वैल्यू रहेगा। तो सब कुछ मैं हटा देता हूँ, बस इस वाले इंटीग्रल को रखता हूँ, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको भी हटा देते हैं, इसका भी क्या काम है। सो इंटीग्रल क्या है हमारे पास, पाई बाय फोर कॉन्स्टेंट था तो बाहर ले लिया, फिर माइनस पाई बाय फोर टू पाई बाय फोर है एंड वन बाय टू माइनस कॉस टू एक्स डी एक्स। तो बेटा इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, जैसे कॉस टू थीटा दिखा तो आपके दिमाग में बत्ती जल गई होगी कि ये किस टाइप का है ना, सब्स्टिट्यूशन वाला है ना, टेन एक्स की जगह टी वाला सब्स्टिट्यूशन है। सो कॉस टू एक्स क्या होता है, बेसिकली कॉस टू एक्स होता है वन माइनस टेन स्क्वायर कॉस टू थीटा, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग टेन एक्स की जगह पर टी सब्स्टिट्यूट करते हैं,
सो आपको क्या मिलता है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी मिलता है, ठीक है। सो आपका लोअर लिमिट और अपर लिमिट, एल एल मतलब लोअर लिमिट, सो जब लोअर लिमिट आपका एक्स जब माइनस पाई बाय फोर होता है तब आपका टी क्या होता है, अच्छा एक सबसे पहले तो हम लोग ये भी तो कर सकते हैं ना, ठीक है ये तो सॉल्व करना ही है हमें, लेकिन इसके पहले ये इवन है कि ऑड है, तो बेटा क्लियरली दिखता है कि ये इवन फंक्शन है। कैसे, देखिए एफ ऑफ एक्स आपका 1/2 माइनस कॉस 2x दिख रहा है आपको, और अगर आप एफ ऑफ माइनस एक्स निकालेंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, 1/2 तो कॉन्स्टेंट एज इट इज रहेगा, और एक्स की जगह माइनस एक्स आने से ये तो एज इट इज रहेगा क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, सो ये कॉस 2x ही रहेगा, मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, देयरफॉर गिवन फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन है। सो अगर ये इवन फंक्शन है तो ये अगर हमें फाइंड आउट करना है तो इसके लिए हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, पाई बाय फोर इंटू टू टाइम्स 0 to π/4। जब माइनस ए टू ए रहता है और फंक्शन अगर इवन होता है तो इसका हम जो कैलकुलेशन करते हैं वो कैसे करते हैं, हम 0 to a ले लेते हैं और फिर जो भी फंक्शन है वो लिख देते हैं। सो माइनस पाई बाय फोर टू पाई बाय फोर की जगह मैंने क्या लिखा, 0 to π/4, और ये टू टाइम्स नहीं भूलना है, टू टाइम्स 0 to π/4 हम लोग लेते हैं जब फंक्शन इवन होता है। सो फंक्शन है हमारा 1/2 माइनस कॉस 2x dx। तो जब आप इसको बोर्ड के लिए सॉल्व कर रहे हो बेटा तो सबसे पहले स्टेप कौन सा आएगा आपका, ये आपका I2 है जो आप लोगों ने लिखा है, देखो हम लोग स्टेप बाय स्टेप करते आ रहे हैं, तो बाकी मैंने हटा दिया है, ये हमारा सेकंड इंटीग्रल था। अब इसके बाद में आप लोग यहाँ पर लिखेंगे कि हियर एफ ऑफ एक्स इज दिस, एफ ऑफ माइनस एक्स इज दिस, सो देयरफॉर गिवन फंक्शन इज इवन फंक्शन, गिवन फंक्शन इज इवन फंक्शन, एंड देयरफॉर I2 दैट इज दिस इंटीग्रल इज इक्वल्स टू दिस, पाई बाय फोर तो कांस्टेंट है सो टू टाइम्स दिस। अब इसके बाद में ये सब लिखना है आपको, मैंने पहले ही लिख दिया, इसके बाद में ये आएगा क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए आपको सब्सटीट्यूशन तो लगाना ही पड़ेगा। सो कॉस टू थीटा इज इक्वल टू 1 - tan² θ / 1 + tan² θ, ये तो हमारा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है। अब टेन एक्स की जगह पर आप लोग टी रखेंगे और यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स मिलेगा डी टी। सो अब आप बात करेंगे लोअर लिमिट की, तो ये आपका फंक्शन है, तो लोअर लिमिट जब x आपका 0 रहेगा तब t का वैल्यू क्या रहेगा, सो t का वैल्यू भी 0 ही आएगा। जब आप ये सब्सटीट्यूशन करेंगे तो लिमिट्स में भी तो चेंज होंगे ना, सो जब x आपका 0 है तो t का वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर देखिए सब्सटीट्यूशन की तरफ, x का वैल्यू यहाँ पर रखिए तो t का वैल्यू 0 मिल रहा है, और x जब यहाँ पर रखेंगे दैट इज व्हेन x इज इक्वल टू पाई बाय 4 तब t का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, 1 मिल रहा है, ठीक है। सो इस प्रकार से देयरफॉर आपका जो नया इंटीग्रल है वो कुछ इस प्रकार से दिखने लगेगा। सो ये तो 2 बन जाएगा, सो ये पाई बाय 2 ही बचेगा, सो यहाँ पर आपको मिलेगा 0 to 1 लिमिट्स, और ये बन जाएगा 1/2 माइनस, अच्छा ये यहाँ पर आप लोग जब आप tan x की जगह पर t रखेंगे तो cos 2x कैसे दिखेगा आपका, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, कॉस 2x दिखेगा 1 - t² / 1 + t², ठीक है। सो कॉस 2x की जगह पर मैं लिख सकता हूँ 1 - t² / 1 + t², और ये जो sec स्क्वायर x dx है ना dt, तो ये कैसे आता है पता है ना आपको, ये मैंने आपको इंडिफाइनाइट इंटीग्रल में बताया है, चलिए फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, मतलब यहाँ पर 1 + t² आएगा, एक काम कर देता हूँ मैं इसको सीधा ऐसे ही लिख देता हूँ, 1/2 माइनस कॉस 2x की जगह पर मैं लिखता हूँ 1 - tan² x / 1 + tan² x, ठीक है। सो ये dx है, तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 - 1 + tan² x - 1 - tan² x, और ऊपर आएगा 1 + tan² x dx, ठीक है। सो 1 + tan² x मतलब sec स्क्वायर एक्स होता है, सो sec स्क्वायर एक्स dx बन जाएगा dt, और ये बन जाएगा आपके पास, यहाँ पर लिखे देता हूँ मैं, आपका इंटीग्रल आएगा दैट इज पाई बाय 2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, ये ऊपर का पूरा dt बन चुका है, और नीचे आपके पास है 2 - 1 t² - 1 - t² dt, ठीक है। अब आप लोगों को इसको आगे सॉल्व करना है, सो कैसे करेंगे इसको सॉल्व, पाई बाय 2 है 0 to 1, 1/2 + 2t²
माइनस वन प्लस टी स्क्वायर, सो आपके पास है वन बाय थ्री टी स्क्वायर प्लस वन एंड ये डी टी और ये पाई बाय टू है। सो बेटा इसका इंटीग्रेशन क्या आता है, इसको थोड़ा ढंग से लिखिएगा, जीरो टू वन यहाँ पर भी है, इसको आप लिख सकते हो रूट थ्री टी होल स्क्वायर, क्योंकि आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में लाना है ना आपको, इसलिए आपने इसको ऐसे लिखा। देखिए ये आपको मिल रहा है पाई बाय टू बाहर है ब्रैकेट के अंदर, अंदर वाले का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, वन बाय ए टेन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए, एक्स मतलब रूट थ्री टी बाय वन, सो लिखने की जरूरत नहीं, और ये वन और जीरो अपर लिमिट और लोअर लिमिट, सो फाइनली आपको आंसर मिल रहा है टेन इनवर्स रूट थ्री, वन रखेंगे और टेन इनवर्स जीरो तो जीरो ही होता है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। सो टेन इनवर्स रूट थ्री क्या होता है बेटा, पाई बाय टू इंटू टेन इनवर्स रूट थ्री होता है पाई बाय थ्री, 60 डिग्री का एंगल होता है, दैट इज आपका आंसर आएगा पाई स्क्वायर बाय सिक्स। ठीक है, चेक कर लेता हूँ मैं एक बार आंसर इसका, क्वेश्चन नंबर एट था ये। हाँ पाई स्क्वायर बाय सिक्स, और एक चीज़ मैं भूल गया यहाँ पर, क्या कि जब आप लोग यहाँ पर ये देख रहे हो तो आपको रूट थ्री से डिवाइड करना होता है ना, सो ये पाई बाय थ्री, पाई बाय टू, टेन इनवर्स रूट थ्री, बेसिकली जब यहाँ पर हम लोगों ने इसका इंटीग्रेशन निकाला यहीं पर हमें इसको डिवाइड करना चाहिए था, सो पाई बाय पाई स्क्वायर बाय सिक्स इंटू रूट थ्री आपका फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है बेटा, सो इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन नंबर एट सॉल्व होता है। ठीक है, तो काफ़ी लेंदी था ये, चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नाइन की तरफ। सो इसको मैं हटा देता हूँ, आप लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर नाइन है बेटा, लेट I be equals to integral minus pi by 4 to pi by 4 x cube into sin raised to 4x dx। ठीक है, अब इसको कैसे किया जाए, तो अगर आप देखेंगे तो सिंपली सबसे पहले नज़र जानी चाहिए लिमिट्स के ऊपर, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव और सेम है, तो चांस बनता है कि आपको चेक करना है कि फंक्शन इवन है कि ऑड है। अगर फंक्शन ऑड निकलता है तो काम ही खत्म हो जाता है, क्योंकि उसका वैल्यू ज़ीरो आता है। सो दिया हुआ फंक्शन है एक्स क्यूब इंटू साइन रेस टू फोर एक्स, अब अगर आप एफ ऑफ माइनस एक्स निकालेंगे तो एक्स की जगह माइनस एक्स रखेंगे, उसका क्यूब करेंगे इंटू साइन माइनस एक्स रेस टू फोर, सो माइनस एक्स क्यूब का तो ये यही आएगा, पर साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, सो उसका अगर आप फोर्थ पावर ले रहे हो तो वो ऑब्वियसली पॉजिटिव आएगा, सो आपको मिलेगा एक्स क्यूब इंटू साइन रेस टू फोर एक्स। सो बेसिकली इसको अगर आप देखेंगे तो एक्स क्यूब इंटू साइन रेस टू फोर एक्स आपका दिया हुआ फंक्शन है, सो माइनस साइन बाजू में हट गया इंटू एफ ऑफ एक्स, सो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स आपको मिला है, विच इम्प्लाइज ये आपको इम्प्लाई करता है कि एफ ऑफ एक्स इज ऑड फंक्शन, एफ ऑफ एक्स इज ऑड फंक्शन, आपका जो फंक्शन है दैट इज ऑड फंक्शन एंड दियर फोर जो आपका माइनस पाई बाय फोर टू पाई बाय फोर आप निकाल रहे हो ना, ये इसका वैल्यू आता है ज़ीरो। ठीक है, दिस इज नथिंग बट ज़ीरो। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर, आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर नाइन। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर टेन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर टेंथ में आपका लिमिट थोड़ा सा डिफरेंट है, इट्स नॉट नेगेटिव एंड पॉजिटिव, सो लेट आई बी इक्वल्स टू जीरो टू वन है आपके पास, लॉग ऑफ एक्स प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। सो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा इसके बारे में सोचेंगे, तो बेटा यहाँ पर तो मुझे सब्सटीट्यूशन दिख रहा है, क्योंकि देखिए जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक सब्सटीट्यूशन करते कब हो, जब आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ना आप बाय पार्ट्स लगा पा रहे हो, ना आप कुछ और चीज़ कर पा रहे हो, तो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करके कभी भी देखना चाहिए। तो वन प्लस एक्स स्क्वायर का मतलब होता है कि वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा की बात हो रही है, सो आप
ऑब्वियसली एक्स की जगह पर रखना चाहेंगे टेन थीटा, ठीक है। सो डी एक्स आपको मिलेगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। और बात करेंगे अगर लिमिट्स की, तो लोअर लिमिट आपका एक्स इज इक्वल टू जीरो है, तो थीटा का वैल्यू क्या रहेगा? सो थीटा विल बी टेन इनवर्स जीरो, टेन इनवर्स एक्स है ना। अगर एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा है तो थीटा का वैल्यू टेन इनवर्स एक्स है, और अगर एक्स का वैल्यू जीरो रखते हैं तब थीटा का वैल्यू क्या मिलेगा? टेन इनवर्स ऑफ जीरो, दैट इज जीरो। और अपर लिमिट की बात अगर करेंगे, अपर लिमिट, सो जब एक्स का वैल्यू वन हम लोग लिख रहे हैं तो थीटा टेन इनवर्स वन एंड दैट इज नथिंग बट पाई बाय फोर, ठीक है। सो लिमिट्स की बात हो चुकी है, सारी चीज़ें हो चुकी है, अब सीधा सीधा वैल्यू रखेंगे। सो देयरफॉर आई विल बी इक्वल टू जीरो टू पाई बाय फोर मिल रहा है, लॉग ऑफ एक्स प्लस वन मतलब वन प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाय वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा दैट इज सेक स्क्वायर थीटा, एंड डी एक्स की जगह पर आपको मिलेगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। सो सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो आपका आय आया है दैट इज जीरो टू पाई बाय फोर लॉग ऑफ वन प्लस टेन थीटा डी थीटा, तो आप लोग एक काम कर सकते हो, आपके जहन में आएगा कि यहाँ पर आप बायपार्ट्स अप्लाई करके देख सकते हो, तो करके ज़रूर देखिएगा कि आपको आंसर मिलता है कि नहीं, और अगर मिलता भी है तो कितना लंबा जाता है। उससे अच्छा है कि आपको पता है एक प्रॉपर्टी जीरो से ए अगर दे रखा है तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सो वो वाला प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। अभी तो आय हमारा एज इट इज़ रहेगा, सो दिस इज़ नथिंग बट वॉट जीरो टू पाई बाय फोर लॉग ऑफ वन प्लस टेन ऑफ पाई बाय फोर माइनस थीटा, ठीक है। सो ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने अभी यूज़ की है यहाँ पर, सो आई इज इक्वल टू दिस आपको मिल रहा है। अब टेन ऑफ पाई बाई फोर माइनस थीटा का वैल्यू आपको पता है क्या आता है? दैट इज़ नथिंग बट जीरो टू पाई बाई फोर लॉग ऑफ वन प्लस टेन ए माइनस टेन बी दैट इज़ वन माइनस टेन थीटा डिवाइडेड बाई वन प्लस टेन थीटा डी थीटा। सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर लिखता हूँ मैं इधर, सो आई विल बी इक्वल्स टू जीरो टू पाई बाय फोर लॉग ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से वन प्लस टेन थीटा प्लस वन माइनस टेन थीटा एंड डिवाइडेड बाय वन प्लस टेन थीटा, और यहाँ पर आएगा डी थीटा। सो टेन थीटा विल गेट कैंसल, तो फाइनली आपके पास है जीरो टू पाई बाय फोर वन प्लस वन दैट इज टू, सो लॉग टू माइनस लॉग ऑफ वन प्लस टेन थीटा डी थीटा, ठीक है। सो अब ये तो आपको मिला है, ये आपका आय है, और पहले वाला आय क्या था आपके पास? ये था। सो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ तो क्या मुझे कुछ फ़ायदा होगा? देखो, एडिशन आप तभी कर सकते हो जब दोनों का भी लिमिट सेम हो, तो क्योंकि हम लोग प्रॉपर्टी यूज़ करें तो लिमिट्स तो सेम है ही। तो ये इक्वेशन वन है और ये इक्वेशन टू है जो प्रॉपर्टी यूज़ करके मिला है। सो एडिंग इक्वेशन वन एंड टू दैट इज़ इक्वेशन वन प्लस इक्वेशन टू अगर हम लोग करते हैं तो मुझे क्या मिलेगा? लेफ्ट में आई प्लस आई मिलेगा और राइट में जीरो टू पाई बाय फोर, और इधर है लॉग ऑफ वन प्लस टेन थीटा, और इधर है प्लस लॉग टू माइनस लॉग ऑफ वन प्लस टेन थीटा। सो ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ में, और यहाँ पर है डी थीटा आपके पास। सो आई प्लस आई यू विल गेट टू आई एंड दिस इज जीरो टू पाई बाय फोर टेन टू, इसका इंटीग्रेशन आप लोग लिख सकते हो थीटा इंटू लॉग टू, क्योंकि लॉग टू तो कॉन्स्टेंट है। सो जीरो टू पाई बाय फोर, सो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो वैल्यू आपको फिर मिल रहा है, दिस इज इक्वल्स टू लिमिट्स रखेंगे तो पाई बाय फोर इंटू लॉग टू, और जीरो रखेंगे लोअर लिमिट तो वो तो जीरो ही बन जाएगा। सो फाइनली टू आई का वैल्यू इतना आया है, हमें आई का वैल्यू निकालना है तो टू को राइट में भेज दीजिए, दैट इज़ पाई बाय एट लॉग टू आपको वैल्यू मिलेगा। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर, दैट इज पाई बाय एट इंटू लॉग टू। मैं एक बार आंसर चेक करता हूँ, जी बिल्कुल सही है हमारा आंसर, बुक के अंदर गलत दिया है। सो ये है क्वेश्चन नंबर टेंथ का आंसर। तो काफ़ी लंबी हो चुकी है वीडियो मुझे ऐसा लगता है, हाँ ठीक है, मतलब 30 मिनट तक हो चुके हैं, यहाँ तक तो हम लोग खींच सकते हैं। सो 30 मिनट का ही कंफर्टेबल होता है वीडियो, इसलिए 30 मिनट तक ही बना रहा हूँ आजकल। सो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बचे हुए पांच क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज, इसी एक्सरसाइज के और इसी क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 3 के। सो रिमेनिंग 5 क्वेश्चन विल बी सॉल्व इन नेक्स्ट वीडियो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।